गोदिया। ये देखो ये सिंचाई होने लगी। हाँ हाँ सिंचाई करके आ गए हम। ठीक है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और सबसे पहले आप मौसम देखिए, रोज की तरह बढ़िया मौसम है, क्लीन मौसम है, लेकिन बादल अभी भी लगे हुए हैं। हिमालय एकदम बंद है बादलों से, ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं अंदर से हुड मैंने पहना है, बाहर से मैंने जैकेट पहना है और ऊपर से धूप भी है, अभी कोई असर नहीं हो रहा तब भी। तो अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद थोड़ी सी गर्मी होती है, धूप भी थोड़ी तेज़ हो जाती है। लौकी की सब्जी है, रोटी है, हरी मिर्च तो खाते हैं फिर। और हितांशी को पेटकुट लगे हुए हैं और ये देखिए ध्यान कहीं और है, हाथ कहीं और है, खाना यहाँ पे है। हेलो हेलो अब आई होश इसको, अभी तो बेहोश थी है। खाना कैसा हुआ? क्या क्या हो रहा? कल्लू नीचे मत आना बेटा, कहाँ जा रही तू अकेले अकेले? हैं? रुक रुक जा बेटा, रुक आजा गोदिया। ये देख ये पाँव में कुछ चुभ जाएगा ना, कुछ चुभेगा तो पाँव में आ जा। बाबू है ये बदमाश हो चुके हैं आजकल। ना बच्चा ना करने बच्चा मार नहीं करने छोटा। अरे तो पापा भाई। अरे मार दो मत उसको। अब ये ठंड से जो है ना पाइप एकदम सिकुड़ चुका है, तो इसको रखते हैं हम यहाँ पे, इससे क्या हो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा ना, एकदम टाइट हो रहा है। टाइम जो है 12:30 हो चुके हैं, खाना वाला रेडी हो चुका है, खाते हैं खाना। कुछ अत्यधिक लगा है ले लो। ले, ले। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 1 बजने वाले हैं और जो है ये बाल्टी लेके ये लेके जा रही गोबर, ये देखिए इतना गोबर है। अयो तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नीचे खेत में, जहाँ पे हमने लगाया था प्याज। ठीक, तो प्याज की सिंचाई करने के लिए हमें जाना है, हम दोनों जा रहे हैं अभी। ये जो है गोबर भी फेंक के आएगी वहाँ पे, और आसपास में अगर कोई काम होंगे तो वो काम भी निपटा के आते हैं। तो मेन जो काम है वो है अभी सिंचाई करना। चले जी बाल्टी आजा आजा। जिस खेत में हम आना था उस खेत में तो नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पे जो है ना गोबर डालना है हमने। ये देखिए खेत, एक दो चल। ये वाला जो खेत है ना हमारा, वहाँ से ये पूरा हमारा खेत है। तो इस खेत में हमने बोया है मसूर, ये मसूर की दाल है। ठीक, ये देख सकते हैं आप। तो गोबर हम डालते हैं इसमें। तो अब हमें जाना है नीचे, उधर काफ़ी नीचे है, जिस खेत में हमने लगाए थे प्याज वहाँ पे करते हैं सिंचाई। काफ़ी नीचे है, 200 मीटर नीचे। तो ये केले आप देख सकते हैं,
इनको हमने ढकना है अभी। ठंड के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, दिसंबर जनवरी तक तो खतरनाक वाली ठंड होगी। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, रात में 12 बजे के बाद ना जो तुषार पड़ता है ना, उसकी वजह से केलों को हो सकता है नुकसान। तो इसके ऊपर हम अगर कपड़ा डाल देते हैं ना तो फिर केलों को उतना नुकसान होगा नहीं। फिर जब प्याज की सिंचाई करके हम लोग आ जाएंगे ऊपर, तो यहीं से जाएंगे ना ऊपर की ओर, तो इसको ढकते हुए चलेंगे। पूरे खेत में गोबर डाल चुकी है, तो चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे सीधे नीचे खेत में, प्याज के खेत में। लगा है प्याज सिंचाई ले, दगड़ दगड़ चल रहा। ये देखो ये सिंचाई होने लगी और प्याज भी लगा रहे हैं अभी ये चाची लोग। ठीक क्या की भैया, भेसुला भी प्याज सुन जाला सुन रहा था भैया। मैं हन तो क्यों करूं क्या ना हन हन तो अब जो है सिंचाई हो चुकी है, सिंचाई हम लोग कर चुके हैं प्याज की। अब बढ़ते हैं ऊपर की ओर। अब जो हमारा काम बचा हुआ है ना, केले के जो घड़ियाँ हैं, केले के जो गुच्छे हैं, मतलब गुच्छे बोलो या घड़ियाँ बोलो, ऐसे पहाड़ियों में बोलते हैं घड़ी, केले की घड़ी, जिसमें मतलब 15 से 20 केले एक साथ होते हैं या 10 से 15 केले एक साथ होते हैं ना, तो उसे बोला जाता है केले की घड़ी। अरे अम्मा हम ये प्याज सिंचाई करके आ रहे हैं के लिए। हाँ, सिंचाई करके आ गए हम। ठीक है, अच्छी बात है, एकदम बारीक कर रहे हो ऊपर। खेत में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमको आना था। जो ये केले के पेड़ आप देख सकते हैं, जितने भी पेड़ हैं, सबसे पहले काम यहाँ पे रहेगा कि जितने भी केले के पत्ते हैं इन सबको काट देते हैं। तो इन पत्तों को हम लेके जाएंगे घर, फिर इन पत्तों को खाएगी गाय। ठीक, और नेक्स्ट काम जो है वो फिर करते हैं, जो मैंने बताया आपको, केले की जो घड़ी है ना उनको कपड़ों से ढक देते हैं। तुषार या ठंड से बचाव के लिए ढकना जरूरी है। तो पहले मैं काटता हूँ फिर। ठीक है, क्या वो डबल एक रहने दो, काट दियो तो बस ऊपर रहने दो। तो चलते हैं फिर, धीरे धीरे बढ़ते हैं घर की ओर। मिल जाती हूँ भाई, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर में। हितांशी और हितांशी की दादी गए हैं बगल में घूमने, आ चुके हैं शायद। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, अंदर से भी स्वेटर मैंने पहना है, बाहर से भी, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सबसे पहले इन्हें खोलता हूँ मैं। ठीक, वैसे ठंडी हवा तो चल रही है लेकिन चलने में और जो धूप है इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो चुकी है,
थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, कपड़े खोलूँगा ना, ये ऊपर की स्वेटर निकालूंगा ना, उसके बाद ठंड हो जाएगी शुरू, लेकिन 5 से 10 मिनट तो गर्मी होगी होगी। अच्छा भी आ चुकी है आराम से आराम से जा, टाइम तो लग ना, चल दिया आदमी अंदर चल अंदर चल, फटेगा कपड़ा फटेगा, चल इधर उधर चलती रहती है, जहाँ मूड हुआ वहाँ चलती है, अंदर चलो चाय बनाओ, चाय पीते बेटा चाय चाय बनाओ, क्यों प्याज मिले छलका है, प्याज मिले छलका है, लहसुन मिले छलका है, क्या हो जो गड़ी है उन्हें ढके ना, अरे ढके ने पातले ला गया तो हो, ठीक करो ठीक करो जा, ठीक करो। ये शाम के बजने वाले हैं 6 और जो है ये ला चुकी है धुन, चलो 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 इसको अंदर ले चलते हैं, हम बदमाश होगी बाहर आ जाती है। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 8:30 होने वाले है, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। खाना हमारा रेडी हो चुका है, आज है सब्जी आलू लौकी की सब्जी है रोटी, तो खाते हैं फिर खाना। और आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। अब इसने तो हमको परेशान कर दिया मोबाइल के चक्कर में, ना खाना खाती है, छोड़ छड़ा दूँ छड़ा दूँ, पहले खाना खाओ उसके बाद, पहले खाना खाओ उसके बाद, पहले खाना खाओ उसके बाद, इससे अभी मोबाइल छीनेंगे नहीं, क्योंकि फिर अगर छीन लिया ना तो रोते रहेगी, कंटिन्यू रोएगी फिर, तो उसके चक्कर में हम भी फिर खाना नहीं खा पाएंगे सही से, इससे अच्छा अपने आप रहता है इसके पास, तब तक हम खाना खाते हैं उसके बाद छीनेंगे, तो मिलता है फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।